हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनोज जॉब इन्फॉर्मेशन एंड माय नेम इज मनोज और आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2021 का डिटेल्स नोटिफिकेशन का जानकारी। तो वीडियो को स्टार्टिंग करने से पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स, ताकि आने वाली सभी जॉब नोटिफिकेशन अपडेट रहने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स आयकर भवन MK मार्ज मुंबई। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका डेट दिया गया पोस्टेड डेट ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट। और फ्रेंड्स, ये पोस्ट ओनली स्पोर्ट्स कोटा रिक्रूटमेंट, ये ओनली स्पोर्ट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट का। तो देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट दी गई और नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गए एंड यहाँ पर पे एज पे 7th CPC दी गई। तो यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स वैकेंसी दिए गए 8, टैक्स असिस्टेंट के लिए 83 पोस्ट, मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 64 पोस्ट दिए गए। और इसका इनकम जो कि इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स 8 पोस्ट और इसका पे लेवल 7 दी गई और इसका सैलरी दी गई 44,900 एंड 1,42,400 सैलरी दिया गया। और टैक्स असिस्टेंट का सैलरी दी गई पे लेवल 4 का 25,500 का एंड मैक्सिमम 81,100 रुपीस दिए गए। एंड ऐसे ही मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 64 वैकेंसी दिए गए एंड पे लेवल 1 दिए गए 18,000 से लेकर 56,900 का सैलरी दी गई। तो फ्रेंड्स, तो द एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑन द वेबसाइट www.incometaxmumbai.gov.in पर अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो कि शुड बी मैंडेटरी फील्ड, ऑनलाइन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड समरी, द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज यहाँ पर दी गई 25 अगस्त 2021 का डेडलाइन दिया गया। इस डेट से अंदर आप फॉर्म भर सकते हो फ्रेंड्स। और इस पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया एज लिमिट एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स में। तो देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर पोस्ट इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए 18 से 30 एज लिमिट दी गई है एंड इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट दी गई। आपको डेट काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2021 का डेट काउंट की जाएगी इसके। और 2 में टैक्स असिस्टेंट के लिए 18 से 27 एज क्राइटेरिया दी गई और इसका बैचलर्स डिग्री एंड डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8,000 की डिप्रेशन फेयर आवर दी गई। और 3 में मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए 18 से 25 एज लिमिट दी गई और इसका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, और इसका द कैंडिडेट मोस्ट हैव अटेंडेड द टाइप स्टेपुलेटेड एज ऑन 1 अगस्त 2021 का आपको डेट काउंट की जाएगी। और इसका ST OBC अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको अलग अलग जो कि एज रिलैक्सेशन दी गई, यहाँ पर आप खुद चेक कर सकते हो डिटेल्स में दी गई। और यहाँ पर दिया गया लिस्ट ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स फॉर विच रिक्वायरमेंट इज बेइंग मेड। तो डिसिप्लिन दी गई, इवेंट्स एंड पोजिशन दी गई। एथलीट्स के लिए 100 मीटर्स, 200 मीटर्स, 400, 800 मीटर्स यहाँ पर सभी दी गए फ्रेंड्स, आप देख सकते हो। और स्विमिंग, स्क्वाश, ब्लेड्स, चेस, कैरम, ब्रेड्स, बैडमिंटन, लॉन टेनिस यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन के लिए कोटा दी गई। और यहाँ पर स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटी दिया गया, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको क्राइटेरिया दिया गया। ओके, तो फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट टू अवार्ड सर्टिफिकेट्स ऑन एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कॉम्पिटिशन दिए गए एंड अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट दिए एंड यहाँ पर फॉर्म इन विच द सर्टिफिकेट इज टू बी अवार्डेड दिए गए। तो अगर आप इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट की तो आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी हो सकता है। नेशनल कॉम्पिटिशन, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स गेम फॉर स्कूल्स, फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव आप यहाँ पर दिए गए। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस एंड टर्म्स एंड कंडीशन दी गई इस पोस्ट के लिए, आप नॉर्मल सी बातें चेक कर सकते हो आप खुद।
ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर दिए गए आपको सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। द एप्लीकेशन विल बी स्क्रूटिनाइज एंड सुइटेबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। आपको इस पोस्ट के लिए आपको शॉर्ट लिस्टेड की जाएगी आपको स्पोर्ट्स पर्सन से और आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के दोनों चेक की जाएगी फ्रेंड्स, आपको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते समय आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेना चाहिए जो कि यहाँ पर लिस्टेड दिए गए रिलेवेंट स्पोर्ट्स मेरिट सर्टिफिकेट, आपको फॉर्म मेट्रिकुलेशन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट आधार कार्ड पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस और गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ कुछ भी तो एंड एड्रेस प्रूफ। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप लास्ट डेट से पहले आप फॉर्म भर दीजिए और इस नोटिफिकेशन का पूरी जानकारी दे दिए और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। एंड इस नोटिफिकेशन का डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, उससे आप डाउनलोड करके ले सकते हो फ्रेंड्स। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए एंड इस वीडियो को फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।